نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله العلي وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات سب فنا ہو جائیں گے ایک رہ گی خدا کی ذات پانی بھرن سہیلیاں ترنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے گھڑی چل دی اے رک جانا اے جدوں چابی عمر دی مک جانا اے ہر چیز قدر آدھائے پاندیئے جدو نکڑ ہتھاں وچوں جاندیئے تیری عمر وی گھٹ دی آئے جاندیئے گل سن میری اے بے خبر اے نگری ملک اے پرایا اے تین پکا ڈیرا لایا اے تیرا دنیا ہوش بھولایا اے اے یار توں غافل نہ ہو پاک او ذات جس نے بغیر تھما دے آسمان نو چھت بنایا ہے پاک او ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے
अल्लाह तबारक ताला अपने प्यारे कलाम सच्चे कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाते ने कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सबून, गुनाह की कसरत नाल बंदियां दे दिल जंग लूत ते सख्त हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जदों बंदा एक गुनाह करता है उनके दिल के उत्ते एक स्याही का दाग लग जाता है। जे वो तौबा नहीं करता, दोबारा गुनाह करता है, फिर एक दाग होर लग जाता है। इस तरह करद्या करद्या दिल का शीशा उसका काला हो जाता है। जिमें शीशा काला हो जाता है तो उनके अंदर अपनी बंदे नूं शकल जिहड़ी है वो सही नज़र नहीं आती। जदों इंसान का दिल काला हो जाता है तो इनू भी तमीज़ नहीं रहिंदी गुनाह ते सवाब दी। कोई गुनाह भी बंदा पहली बार करता है तो उनके विच उसका दिल भी उसनू मना करता है, खुद भी परेशान होता है कि मैं गुनाह कर बैठा। जदों उस गुनाह का आदि हो जाता है फिर उसनू वो गुनाह मालूम ही नहीं होता कि मैं गुनाह करता पे। अल्लाह ताला फरमाते ने फिर जदों कसरत करता है अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सबून, फिर वह गुनाह की कसरत नाल दिल जेड़ा वह सख्त हो जाता है, फिर उसनू वाद नसीहत असर नहीं करते। हज़रत अबा बकर सदीक रजी अल्लाह ताला नू फरमाते ने जदों तैनू किसी की नसीहत असर ना करे वो दिल समझ लो कि ईमान तो खाली, जिसनू कोई नसीहत भी असर नहीं करती। हज़रत बाऊ सुल्तान आरफा दे आरफ आ फरमाते ने पत्थर चित जिन्हांदा है बाहू उत्ते जाया वसना मियाँ। जदों गुनाह कर करके बंदे का दिल पत्थर हो जाता है, सख्त हो जाता है, उसनू नसीहत इंजी है जिमें पहाड़ के उत्ते बारिश होवे ते पहाड़ नरम थोड़ा हो जाए। वक्ती तौर पर मालूम होंदा है पहाड़ नू वेख्या कि इनके उत्ते बारिश होई है, एवें नमी जी महसूस होंदी है, लेकिन पहाड़ नरम नहीं होंदा। इस तरह इहो जे दिल जिहड़े ने जदों कोई वाज नसीहत सुनते ने तो इन्हू महसूस होंदा है कि गल तो चंगी करता पे, ये पहाड़ उत्तो उत्तों गिला हो गया है, वेखण च मलोम होंदा पिया भी बारिश हुई है लेकिन नरम तो नहीं होया। जे चंगी गल ये समझे तो फिर अमल भी करे, अमल नहीं करेगा इसनु असर नहीं होंदा। एवें महसूस होवेगा कि भई ये जिहड़ियां गल्लां करदे पए हन मौलवी साहब पीर साहब या कोई खतीब भी आखेगा गल्लां चंगियां हन, लेकिन पहाड़ ते जदों बारिश होंदी है उसके बाद ज्यों ही हवा चलती है या धुप निकलती है वो उस तरह उनकी रंगत भी उवें हो जाती है, सख्त तो अगे भी हा। इस तरह ही वह दिल जिहड़े ने जदों किसी चंगी महफल में जाते ने वह पत्थर दिल तो उन्होंने महसूस होंदा है कि गल्लां चंगियां, लेकिन अमल की कुवत नहीं आती। मौलाना रोम रहमतुल्ला अलैह इरशाद फरमाते ने कि भई कुरान हदीस तू तो वड्डी किताब को नहीं मुसलमाना वा, जे हुण कुरान दे सुनिया भी असर नहीं होंदा इस दिल, हदीस दे सुनिया भी नहीं असर होंदा। आ फरमाते ने एक नुस्खा बाकी है ला तकना तू मिर रहमतिल्ला, फिर भी खुदा दी रहमत तू ना उम्मीद ना हो, एक नुस्खा तेनू मैं दसना जेड़ा मैं खुद अजमाया है। मौलाना रूम रहमतुल्ला अलैह फरमाते ने कि यह नुस्खा उन्हां दिलां वास्ते भी ये कारगर साबित होंदा है। गर तू संगे खाराए मर मर शवी
चूंब साहिब दिल रसी गौहर छवि। आप फरमाते ने अगर गुनाह कर करके तेरा दिल पत्थर हो गया है या पत्थर नालों ज्यादा सख्त हो गया है, आप फरमाते ने वो पत्थर दिल किसी अल्लाह वाले नू दे छड़, उस पत्थर नू गौहर बना दे। औलिया रा हस्त कुदरत अज इला तीर जस्ता बाज गर्दानत जरा। अल्लाह वालियां नू अल्लाह ने ताकत बख्शी हुई है कि वह कमान विचू निकलिया तीर वापस कर लेंदे, लेकिन हर बजुर्ग दी ए वसदा रोग नहीं, ना वो शऊर है लोगों नू कि वह बजुर्ग कौन होंदे ने जेडे दिलां नू बदल देंदे। अगर मजजूब किसी नू आखे ना जा तू बादशाह बन जावेगा तो बादशाह बन जावेगा। अगर मजजूब किसी नू आखे ना कि जा तू दाढ़ी रख ला, दाढ़ी नहीं रखा सकता, यो बादशाही देवन नालों ये दाढ़ी देनी कीमती है, इनकी कीमत ज्यादा है बादशाही नाल, उनके को इतनी पावर नहीं है किसी नू दाढ़ी भी रखा ले। लेकिन असी कितने सोचा हैरान हो जावांगे यारे केड़ा बजुर्ग है, इस फलाने बंदे नू आख्या जा बादशाह बन जा, वो बादशाह बन गया। लेकिन ये छोटी ताकत है। अगर वो किसी नू आखदा मुर्दे नू आखदा जिंदा हो जा तो जिंदा हो जाएगा, लेकिन किसी का दिल जिंदा नहीं कर सकता। मुर्दे दे जिंदा करन नालों दिल का जिंदा करना जेड़ा है औखा काम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि जेड़ा बंदा ये जिस बंदे का दिल चंगा होंदा वही बंदा चंगा। मुर्दा जिंदा करना आसान है पर दिल नू जिंदा करना औखा काम। शरीयत की पाबंदी औखा काम में उड़ के विखा लेना सौखा काम। शरीयत है तमाशा नहीं, ये लोहे के चने हैं पताशा नहीं। जादूगर भी उड़ सकता है, दाता साहब नू उड़ के दस्या कि नहीं दस्या उस। मिट्टी तू रुपया भी बना लेगा, असि कितने हैरान हो जावांगे भई ये तो ज़हरा बुजुर्ग, हालांकि कुछ भी माने नहीं रख दिया। शरीयत की पाबंदी जेड़ी है ये सब तू अफजल ते आला है। अगर किसी बंदे नू तुसी वेखदे हो कि शरीयत दा पाबंद है, अगर तेनू उन्हें उड़ के कदे भी नहीं दसिया तो फिर समझ लै ये बजुर्ग है। दाता साहब को एक बंदा गया मुरीद होने वास्ते, छे महीने या साल रहा तो आखदा या हजरत मैनू इजाजत दियो मैं फिर अपने वतन जाना। दाता साहब ने फरमाया तू आया कि वे सा, आंदा या हजरत मैं मुरीद होवन आया। दाता साहब ने फरमाया मुरीद तो तू होया कोई नहीं। आंदा या हजरत मैं थोड़े विच कोई करामत ही नहीं वेखी कदे। आपने फरमाया कदे मेरा कोई कौल फेल उठना बैठना खाना पीना शरीयत के खिलाफ भी वेखे? आंदा नहीं जी शरीयत तुसी बड़े पैबंद। दाता साहब फरमाते ने इस्तकामत फौकल करामत, शरीयत की पाबंदी जेड़ी है ये करामत नालों वड्डा दर्जा रखती। करामत मजजूब भी विखा लेंदा है लेकिन शरीयत की पाबंदी मजजूब नहीं कर सकता। मजजूब ते नमाज ही फर्ज नहीं, मजजूब नंगा दरंगा बैठा होंदा है, मजजूब कई दिन खाना भी नहीं खाता, लेकिन बुजुर्ग फरमाते ने कि खाना खाना भी सुन्नत है। जेड़ा सुन्नत का तारक होंदा है उनका तो मकाम नहीं बनता, भावें नवाफल क्यामत तक पढ़ता रहे। अगर तू खाना सुन्नत समझ के खाना तो सवाब है। जेड़ा खाना छड़ देंदा है असी आने बल्ले बल्ले जी ये बड़ा बुजुर्ग, इन्हू इतने दिन हो गए ने सिखाता कद, क्या सरकार ने भी इस तरह किया कद? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू शादियां दी जरूरत नहीं आई लेकिन शादियां कीतियां, खावन दी जरूरत नहीं आई लेकिन खाना खादा, अपनी उम्मत नू तकलीफ विच नहीं डाले, ये उम्मत दी खातर सब कुछ कीता।
असी हुण सोचने हैं कि फलाना बंदा जी उसने इस तरह कर दिता ऐ कर दिता, लेकिन शरीयत की पाबंदी असी नहीं वेखने। जिहड़ा शरीयत का पाबंद होवे दोस्तो उही बजुर्ग, अग खावे पानी ते चले बावे उड़े असमाना तले, जेड़ा सोम सलाद दा तारक कुछ नहीं होंदे पले। अग भी खा लवे उड़ के भी दस लवे, सुके पैरी नदियां विचों भी गुजर जावे, लेकिन होवे शरीयत दे खिलाफ वो कदे भी बजुर्ग नहीं हुंदा। ये काम जादूगर भी कर सकते ने, ये काम फलसफी भी कर सकते ने, ये काम तो कुछ जिन्हों को अमलियात होंगे ने वह भी कर लेंगे ने, लेकिन शरीयत की पाबंदी जी ये जादूगर को नहीं हो सकती। शरीयत की पाबंदी किसी टोने टोटके नाल नहीं होंगी, ये जो दिल की सफाई जिमें जिमें होंगी जाती है उस तरह बंदा शरीयत की पाबंदी करता। दाड़ी नाल प्यार तेनू उदों होवेगा जदों तेरा रूह जिहड़ी तंदुरुस्त हो जाए, दुध तेनू उदों चंगा लगेगा जदों तेनू बुखार नहीं होवेगा, वरना तू दुध ते अटैक करदा रहेगा कड़वा, इंज तू नहीं आखेगा मैनू बुखार है, ये जी दुध कड़वा है मैं नहीं पीना। जब तक तेरी अंदरू सफाई नहीं होंदी जांदी उदों तिकर तेनू शरीयत की पाबंदी नहीं चंगी लगेगी। पीर भी बन जावेंगा, हाजी भी बन जावेंगा, हाफज भी बन जावेंगा, आलम भी बन जावेंगा, लेकिन वेखना सारे हाजियों की दाड़ी होंगी कोई? सारे आलमां की दाड़ी पूरी होंगी कोई? सारे आलमां के सिर ते दस्तार होंगी कोई? हज ते कितने पैसे लगते ने वो ला लैंदा है, दाड़ी रखण ते भला कितने पैसे लगते? जिस वक्त रूह बीमार है तो क्यों दाड़ी नूं पसंद करे? मेरे पीर सोहना साईं रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आण, जदों तुसी मेरे हाथ चुमदे हो पैर चुमदे हो मैं इतना खुश नहीं होना जितना मैं थानू शरीयत दा पाबंद वेख के खुश होना। पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह साडे सिलसिले दे पेशवा, बहुत बड़े बजुर्ग होए ने जिहड़े वक्त दे गौस गुजरे। पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह नूं हजूर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, हजूर फरमाते ने आए ख्वाजा मुहम्मद अब्दुल गफार तेरिया मुरीदा नूं वेख के ते मैनूं अपने सुहाबी याद आ जाने। इस दौर दे विच भी ये दस्तार, ये मिसवाक, तहज्जुद की पाबंदी, बा जमात नमाज, भावें अनपढ़ हैं भावें आलम हैं, इन्हां नूं कैसा है शौक है? यो सिलसिला सीना बसीना आ रहा। पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हैं मैं तो महदी अलैह सलाम का लश्कर पिया तैयार करें, आखिरी जेड़ा बजुर्ग होना है नक्शबंदी खान का इमाम महदी होने ने, वो नक्शबंदी खानदान च ही आने। आ फरमाते पे हैं कि मैं तो ये इमाम महदी अलैह सलाम का लश्कर तैयार पिया कर, यानी जेड़े इस जमात विच दाखल होंदे ने इंज समझो ये मेहदी अलैह सलाम की आर्मी विच भर्ती हो रहे। तबलीग करते ने, जलसिया विच जांदे ने, वाजा करते ने, दावत दे रहे ने, ना लालच है ना रोटी का सवाल है ना कोई चंदा है। ये क्यों लोगों नूं आखदे ने भी नमाजा पढ़ो दाड़ियां रखो, इन्हां नूं भला कोई पुछ होनी है कि फलाने बंदा नमाज क्यों नहीं पढ़ता? नहीं, वो दर्द है सीने में जिहड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने में दर्द है। कितने फकीर ने वो बगैर लालच दे बगैर किसी हिल हुज्जत दे कई जगह ते जाके ते वो तबलीग करते ने तकरीर करते ने, लोग उन्हां दे वाद नाल भी दाड़ियां रख लैंदे। यह है ताकत जिहड़ी इंसान की रूह नूं तंदुरुस्ती अता करती। ये दवाई मिलती अल्लाह वालियां को, किताबां पढ़न नाल नहीं मिलती। सद किताबो सद वरक दर नार कुन, रूए दिल रा जान बे दिलदार कुन। बई इन्हां किताबां विच ते सौदा हुंदा ते मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह शाह शम्स तबरेज़ दे गुलाम क्यों बन? शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह दा आखिरी वक्त आया,
आपनों मलूम हो गया कि मेरी जिंदगी थोड़ी रह गई है। अल्लाह ताला दी बारगाह विच अर्ज करदे ने, या अल्लाह मैनू कोई इहो जिहा बंदा दे जिंदे सीने विच मैं ये नेमत रख दें। अलहाम होया कि तू रूम विच जा, उन्दे मदरसे विच जा, उत्थे एक मौलाना साहब बहुत अच्छे आदमी है, हजारां दी तादाद विच शागिर्द हुंदे आ, कुरान दा दरस देंदे आ, हदीस दा दरस देंदे आ, तहज्जुद गुजार हैं, इतनी लोग इज्जत करते हैं कि कोई घर बुलाउंदा ना तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह नूं पैदल नहीं जावन देंदे आ। पालकी विच जिवें आ डोलियां हुंदियां ने, पालकी विच बिठा के उस नूं घर ले जांदे हुंदे आ। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह चलदे चलदे मदरसे विच आए, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दां नूं पूरी तवज्जो दे नाल पढ़ा रहे। शाह शम्स तबरेज़ आण के कोल खड़े हो जाते ने या बह जाते ने कि मेरे अल तवज्जो करे, कोई गल गुल करा, मैं इनू ये फैज़ मुंतकिल कर। लेकिन मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अपनी पूरी तवज्जो दे नाल शागिर्दां नूं इलम दे रहे। आप कोल बैठ के किताबां ते हथ रख के पुछदे ने, मौलाना साहब ये क्या है? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह समझिया कि इस बंदे नूं जदों किताबां दा ही नहीं पता तो मैं इहदे नाल की बहस करनी है, बस जान छड़ाई। फरमांदे ने तुम नहीं जानते। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इतनी गल करके तो फिर सबक देने लग पे दरस। आपने वो किताबां पकड़ियां, जेड़ा हौजा पानी वाला जिथे वजू कर दिया, ये सारिया किताबां चुक के तो पानी दे विच सट चली। पानी काला हो गया, स्याही सारी खुर गई। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हो गए कि कौन बंदा जिसने मेरी सारी उम्र की कमाई बर्बाद कर छी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह पुछदे ने, मौलाना साहब परेशान क्यों हो गए? परेशान क्यों नहीं होवां, तू मेरी सारी जिंदगी की कमाई बर्बाद कर छी। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, सारी जिंदगी दी तेरी कमाई इतनी इकाई जिहड़ी महक लम्मे विच बर्बाद कर छी। तू खुद सोच भी वो कितनी कमाई है, एक झटका भी नहीं लग्या बर्बाद हो गई। मैं तेनों मियां किताबां कढ देना। मौलाना रूम फरमांदे ने, हुण की करना कढ के? वो तो सारे लफ्ज सारे खुर गए। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के हाथ पानी विच पाउंदे ने, जिहड़ी किताब कढ़दे ने उहनूं जदों फंडदे ने विचों घट्टा उड़दा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो, ये किहड़ा इलम कि पानी दे विचों किताब सुकी निकलदी पई। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह हैरान होकर पुछते ने, ये क्या है? आप फरमाते ने, ये तुम नहीं जानते। किताबां अगर मैं नहीं जानता ना तो ये तुम नहीं जानते। किताबां में लिखा है कि जमीन जेड़ी ये बाहर तो नहीं रजदी, औरत जेड़ी जितना मर्जी जेवर दे उस तो नहीं रजदी, बुरा जेड़ा बुरी कार को नहीं रजदा, आलम इलम को नहीं रजदा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते ने, तो फिर ये मैनू सिखा दे। शाह शम्स तबरेज़ फरमाते ने, फिर मुरीद हो जा। ये मुरीद होया सीना बसीना आउंदा है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हो गए। आपने वजीफा दसिया, दिल से उंगल ला के फरमाया, पढ़ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिस वक्त दिल ते उंगली लाई, दिल रोशन हो गया। फरमांदे ने, मौलवी हरगिज न शुद, मौलाए रूम ता गुलाम में शम्स तबरेज़ी न शुद। हकीकत च मैं मौलवी ना बन सकया जब तक मैं शाह शम्स तबरेज़ की गुलामी इख्तियार ना की। मौलवी आलमा को केड़ा इलम होंदा? वो तो हुण अक्सर लोगों को है, लेकिन वो इलम जेड़ा है अमल की कुवत बंदे नूं नहीं देंदा।
ये इलम दसदा है यार झूठ ना बोलो गुनाह है, लेकिन जानन आला भी झूठ नहीं छड़दा, आप ही नहीं छड़ सकता, किसे नु किवें छड़ावे। ये सानू इलम है कि रिश्वत लेना गुनाह है, रिश्वत हराम है, जानन आला बंदा भी रिश्वत ले लेता। अल्लाह ताला फरमाते ने मेरी आयतों की कीमत ना लवो, तो फिर कितने आलम ने जेडे इस गल पर अमल करते, बगैर पैसे दे कितने लोग ने जेडे तकरीर वास्ते जाते। इलम तो है लेकिन अमल की कुवत नहीं आ सकती इस इलम दे नाल। ओ इलम दूसरा है, ये इलम वो है जिनके बारे में हज़रत बाऊ सुल्तान फरमाते ने जीम जेकर दीन इलम विच हुंदा सर नेजे क्यों चढ़दे। ओ इलम दूसरा है जिंदे बारे फरमांदे ने इलमे बाजू करे फकीरी काफर मरे दीवाना। आ फरमांदे ने ये इलम चंगी शाय है पर एडी मजबूत शाय नहीं। जेड़ा इलम बातनी है वो जरूरी हासिल करना चाहिए, उन्दे नाल बंदा खुद भी गुनाह तो बच सकता है, दूसरे नूं भी गुनाह तो बचा लैंदा है। वो ऐसी पावर वाली शाय, वो किताबां विच नहीं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जो कुछ मेरे सीने में था मैंने अबू बकर सदीक के सीने में डाल दी। वो इलम हासिल करने वास्ते बैत करी जांदी। हज़रत बाबू सुल्तान फरमांदे ने काफ कामल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगुण छट्टे कल्ला बलरा नाला कुलूबहिम माकानु यक्सिब। जदों गुनाह कर कर के तेरा दिल गंदा हो जाता है तो भाई ये साबण नाल तो साफ नहीं होवेगा। ये हुण कामल पीर ऐसा होवे जेड़ा तेरे इस दिल नु धोबी दी तरह साफ कर दे। सतगुर ऐसा हो जो सिकली गरसा हो जन्म जन्म के मोर्चे पल विच दे वेखो। ऐसा कामल पीर होवे जेड़ा जर्रा मैल भी तेरे दिल विच ना रहन। बाज़ीद बस्तामी रहमतुल्ला ले आप बहुत पायद बुजुर्ग गुजरे ने, अल्लाह ताला दे बहुत प्यारे महबूब बंदे गुजरे। आप दा एक मुरीदा हा अनपढ़, इस सिलसिले विच ये पढ़िया होवे या अनपढ़, अमीर होवे या गरीब हो, जिस मुरीद नू अपने शेख दे नाल मुहब्बत ज्यादा हुंदी है वो कामयाब हुंदा। जिवें तुसीं कोई चीज़ रख दिए तो उनकी कीमत हुंदी है ना, भी 500 है 600 है 1000 रुपया है, उनकी कीमत थानू पता है। इस सौदे की कीमत खुदावंद करीम ने मुहब्बत रखी। जितनी तेरे सीने विच मुहब्बत होवेगी अपने शेख दी उतना तैनू ये फैज ज्यादा मिले। वो अनपढ़ मुरीद आ, उनकी शादी होवन लगी, आंदा मैं भी पहले अपने पीर नू मिलिया। जंज वाले बंदे आख्या बई उत्थों जंज गुजरनी है तो तू अपने पीर नू उत्थे मिल लवें, हुण एक बारी जावेंगा फिर आवेंगा, जंज उत्थों ही गुजरनी है तो तू उत्थे अपने पीर नू सलाम कर। कुछ लोग तो मनते नहीं होंगे, कुछ लोगों ने खुदा नू भी ना मने, कुछ लोग नबिया भी ना मने। नबिया के बाद सिलसिला औलिया कराम का क्यामत तक रहना है, कुछ लोग इन्हों भी नहीं मन। नसीब चंगे होवन ते फिर चंगे सौदे खरीदा बंदा, ते कई मनन लगते ने ते वो तमीज ही नहीं करते भी ये सही भी है या नहीं। मनन तो मुरादे नहीं कि जेड़ा तेरे अगे आया तू उसनू मन ले। खिलाफे पैगंबर कसेरा गुजीत कि हर गिज ब मंजिल ना खाद रसीद। जेड़ा नबी करीम दे तरीके तो बाहर होवे वो तो कदे मंजिले मकसूद ते पहुँच दे। कई उन्होंने गल्लां करन लग पे और यार तू पीर आला जदों उत्थों गुजरांगे तो तू पीर नू सलाम ले ले। ठीक है ये हुण मुरीद जेड़ा है ये मियाँ तैयार हो के लाड़ा बन गया, ये हुण जंज दे नाल जांदा पिया। दरबार दे कोलों जदों जंज गुजरन लगी तो वह मुरीद आंदा मैं अपने पीर नू सलाम कर।
एक बंदा आंदा है, भला ये तो दस कामल पीर कौन हुंदा है तो सादक मुरीद कौन। वो आंदा मैनू तो पता कोई नहीं, मैं ये भी पीर को पूछी आवां भी कामल पीर केड़ा हुंदा है तो सादक मुरीद केड़ा हुंदा। जिस वक्त मुरीद जांदा है बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वेख के उन्हू फरमांदे ने आ बे मुरीदा सानू अज एक बंदे की जरूरत आई तो बंदा कोई नहीं मिल रहा। वो आंदा जी हुक्म करो फलानी जगह तो फलाने फकीर को 1000 रुपया लेना हा तो सानू अज जरूरत आई तो उत्थे कोई जावन वाला बंदा नहीं मिल रहा। वो आंदा ठीक है जी मैं ले आओ। जंज बाहर खड़ी हुई ये लाड़ा है, जदों पीर ने इशारा किया अपनी मजबूरी नहीं दसदा पे। पीर सो जो तुरत मुराद देवे, मुरीद सो जो विच फरमान हो। मुरीद ला यूरीद, मुरीद वो ही होता है जिसका अपना इरादा ना हो। मुरीद मुर्दा बदस्त गुसाल, मुरीद वो होता है जैसे मुर्दा नवालन वाले के हाथ में होता है। कदे मुर्दा को बोलता है कि इतों मैं सुक्का रह गया, इतों मैं ज्यादा पानी मेरे ते डाल दिता है, पानी ठंडा क्यों पाया, गर्म क्यों पाया, कदे इतराज करता मुर्दा। मुरीद इंजी होवे वो पीर दी रजा ते राजी रहे। पीर बनना आसान नहीं, मुरीद बनना भी खेल नहीं, एडा सौखा काम नहीं है कि मुरीद बन जान, एडा सौखा काम भी नहीं है पीर बन। लेकिन असूल दे खिलाफ तो फिर सारे काम सौखे बने फिर। पीर नू पता कोई नहीं मैं मुरीद नू देना की है, तो मुरीद नू पता कोई नहीं मैं पीर को लेना की है। अन्नी पीदी पई है, कुत्ते खांदे पे, एक रस्म ते रवाज रह गई, पता ही कौन है कि पीरी मुरीदी का असूल की। ये तो रूहानी मुआलज होंदे ने, इन्हां को अपनी रूह का इलाज कराना है, लेकिन तू सिर की पीड़ दी तवीज मंगदा फिरना, तू शादी वास्ते दुआवां कराउंदा फिरना, तू कारोबार वास्ते परेशान। ये तो मुरीद ना भी होवें तो जाके दुआ करावे तो दुआ नहीं करनगे। बई मुरीद होवण दा तैनूं की मकसद आ, सिर की पीड़ का तवीज वैसे भी दे दे मैना। तू जो मुरीद होया तो भला क्यों होया तेनों है पता कोई, एक रवाज बन गया है। तो जे तू रवाजी मुरीद है तो फिर तेन फायदा भी की हो, रवाजी होवेगा ना तो हुण इहदा ये भी शौक होवेगा पीर मेरी मर्जी नाल चले। अल्लाह दे बंदे आ, जे हुण तेरी मर्जी चली तो पीर तेरे आख ते चलिया तो काम उल्ट हो गए। तू डॉक्टर को जावे तो तू आखे मैनू तो खमीरा दे, लेकिन इलाज में तेनों कुनैन चाहिए। जे डॉक्टर तेरी मनेगा तो फिर इलाज होगा, नहीं जे कड़वी चीज डॉक्टर पसंद करता है तो तू वो पसंद कर। पीर रूहानी मुआलज जो आखद है, ये पीर पकड़न तू पहले वेख्या क्यों नहीं। तू पानी पीवीए पुण के, मुर्शद पकड़िए चुन के, जदों पीर पकड़ना होवे ते पहले उसनु परखो ते वेखो, बाद विच जाके तू इतराज करन लग पौंदा। लो जी पीर नु मैं आखा साडे घर आओ, तू साडे घर नहीं आ, तू मुरीद है या पीर है? तू उनु आखे मेरे घर आ, तो घर आ जा, सारी जिंदगी भी ना आवे ते तू उनकी नजर विच रहेगा तो फिर सौदा घट है। तैनू फैज चाहिए ना कि तू अपने मनाउनी है, ता मुरीद होया। लो जी मैं पीर नू हुण सारे पिंड विच वो पानी पींदा रहिंदा पीर, जे तेरे घर आण के नहीं पी सकदा तो फिर तू पीर नू हैजा कराउणा। साडे लई जिहना पानी भी नहीं पीता, वो एक बंदा हुंदा है सारे पिंड विच पीवेगा तो की करेगा। ये साडे ज़हानत ए, साडी मर्जी नाल ही पीर खावे, साडी मर्जी नाल ही पीर चले, ते तू इलाज किवें करावेंगा।
अपनी मर्जी तो तू छड़ी दे, पीर नुआन है मेरी मर्जी तो चले। वेखो कैसा मुरीद है, जंज बाहर खड़ी हुई है, लाड़ा है, पीर ने आख्या है, आंदा ठीक है जी मैं ले आऊं। वो बाहर खड़े ने ये अपने पीर का हुक्म मन के टुर पाउंदा। वो जंज आले आख्या ये तो यार को पागल, दीन का काम जदों भी करेगा दुनियादार लोग तेनू पागल आखणगे। जुमे वास्ते कितने जाना है तो लोग आखणगे पागल, दाढ़ी रख लवेगा तो लोग आखणगे पागल, कोई तेनू गाली दे लेंदा है तू खामोश हो जाना है, सबर करना है, लोग आखणगे पागल। गलत काम करेगा तो तेनू लोग पागल नहीं आखण। ये दौर ऐसा आ गया है जदों भी कोई चंगा काम करेगा, दुकान बंद करके तू मसीते आ जाना तो लोग आखणगे पागल। वो जान जाले आख्या भई ये तो कोई पागल है, असी पागल भी जाने नाल आ गए, वापस चले गए। जिन्हां दी लड़की है उन्होंने भी समझा भी वो तो वाकया पागल है, उन्हें किसी होर ना शादी कर दिती उस। जदों लड़की अपने सहुरे घर गई तो जिस लड़के दे नाल उनका निकाह होया, कुदरत खुदा दी ऐसी हुई कोई वजह बनी तो फौत हो, उन्हां दे ज़ेहन विच ये गल आई यार असां दरवेश दी मंगेतर आंदी है, खुदा नूं ये गल पसंद नहीं आई। उन्हां उस लड़की नूं लिया बाज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दरबार ते लिया, या हज़रत सानू माफ़ कर दिओ, असां तुहाडे मुरीद दी मंगेतर व्याह लईए, साडा पुत्तर फौत हो गया है, आ तेरे दरबार ते छड्डी जांदे। वो मुरीद उत्थे पहुँच गया जिथों जाके पैसे लैने। अगू उस मुरीद ने वेख्या जिसने 1000 रुपया देना सी, उन्हें चा चढ़ गया कि मेरा पीर भाई आया, अगर तेन पीर नाल मुहब्बत होगी तो पीर भाई भी तेन प्यारे लगणगे, अगर पीर नाल मुहब्बत नहीं है चा पलूसी करना है तो फिर तेन पीर भाई भी नहीं चंगे लगे। ते पीरां पीर भाइयां दी मुहब्बत ये नहीं कि तू अपने घर दे विच बुढ़ियां दे विच बिठा लवें करें पीर भाइयां ने, पीर दी मुहब्बत भी ये नहीं कि तू अपनियां औरतां अपनियां बच्चियां दे विच लिया के पीर नूं बिठा दे, घरदियां नूं आखें पीर साहब दियां लत्तां घुट्टो, ये मुहब्बत नहीं, ये शैतानी काम है। जिहड़ा पीर होवेगा वह ऐसा नहीं करावे। कई बार फिर रिजल्ट गलत निकलता है, फिर भाई उधार क्यों देना तू पीर भाई, पीर तू लांबे लांबे वो तेरे को ऐसा चक्कर चला गया, तेनू तो मुहब्बत आई उन्हू मुहब्बत नहीं आई, वो धोखा कर जावे। ये मुहब्बत नहीं है कि पीर भाई तेनू आण के जो मजबूर करे तू आखे पीर भाई, या वो पीर भाई ऐसी कोई गल पीर दे खिलाफ कदे कर देंदा है ते तेनू पीर भाई ने इतनी मुहब्बत हो गई कि तू पीर तू पीछा हट गई। ये मुहब्बत नहीं, हर एक चीज का अपना अपना मकाम ते दर्जा होंगे। खुदा खुदा है, नबी नबी है, वली वली है, मां की मुहब्बत मां का मकाम अपनी थां ते, बीवी की मुहब्बत बीवी का मकाम अपनी थां ते। उस पीर भाई नूं बड़ी मुहब्बत चाहत, बड़ा खुश होया कि मेरा पीर भाई आया। जेड़ा सादक मुरीद हुंदा है उन्हूं पीर भाइयां विच्चों भी फैज मिलता है। पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्ला ले अपने किसे मुरीद को अपनी एक बकरी भेजी हुई आई कि इन्हू तू परवरिश करया कर, वो बकरी कुछ अरसे दे बाद मर गई। वो मुरीद बड़ा रोंदा है, हजरत साहब नूं मैं दस छड़िया, हजरत साहब फरमाया कोई बात नहीं जे मर गई, लेकिन वो फिर भी रोंदा रहिंदा है। हजरत साहब फरमा की गल है बकरी है कोई गल, आंदा जी थोड़े वास्ते तो कोई नहीं गल, मैनू बकरी विचों भी फैज मिलता हुंदा कि मेरे पीर दी बकरी। अगे मैं दरबार ते जाके फैज लेंदा जदों मैं वेखदा हुंदा कि मेरे पीर दी बकरी है, मैं मुहब्बत नाल उहदी खिदमत करदा ना ते मैनू उस बकरी दे विचों भी फैज मिलता। सादक मुरीद नूं तां पीर दे जोड़ियां विचों भी फैज मिलता है,
कपड़ियां विच भी फैज मिलता है, पीर का नाम ही लेंदा रहे तो फैज मिलता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्ला अलैह दरिया विचू पार जामन लगे ना दरिया दजले, मुरीद एक आखदा है जी मैं भी जाना हाँ पार, आपने मुसल्ला सटिया, मुसल्ले दे उत्ते बैठ गए, मुरीद नू आखदे ने मेरे मगर बैठ जा, पढ़दा आमी या जुनैद या जुनैद या जुनैद। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्ला अलैह पढ़ते जाते ने अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो मुसल्ला तैरदा जाता, जदों दरिया के किनारे ते पहुंचे पार उतरन वाले हैं, मुरीद के दिल में ख्याल आया कि मैं भी क्यों ना अल्लाह अल्लाह कर, आप अल्लाह अल्लाह करते जाते हैं मैनू अपने नाँ ते ला दिता। जिस वक्त अल्लाह अल्लाह करन लगा तो उसनू गोते आवन लग पे, छेती नाल फिर पढ़ता या जुनैद या जुनैद या जुनैद, बाहर निकल के आखदा या हजरत थोड़े नाम में ताकत अल्लाह के नाम नालों ज्यादा है। आपने फरमाया नहीं अल्लाह तो अल्लाह है, या हजरत जदों तिकर मैं थोड़ा नाम लेंदा आया तो मैं तैरता आया, जदों मैं अल्लाह का नाम लवन लगा तो मैं डुबण लग। आपने फरमाया तेरी रसाई जुनैद तक की, अल्लाह तक तो जे पहुंचया नहीं तू, ते साड़ी रसाई अल्लाह तक के असी अल्लाह अल्लाह कर दे। दस पंद्रह डंडे पौड़ी दे छड़ के हाथ पावेगा तो फिर डिगेंगे, वो तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ेगा तो फिर तू औखा नहीं होवेगा। जे तू आखे नहीं मैं विचलियां डंडियां नू नहीं हाथ पाउणा मेरी शान के खिलाफ है, मैं तो उपर डंडे नू हाथ पावांगा तो फिर डिगेंगा ना। ये जितनी जितनी रसाई होंदी है अपने शेख दे नाल तू इश्क ते मुहब्बत लगा, उन्हां दी मुहब्बत का खुदा दे नाले ये कम चलता रहे, कदे तेरा भी वो मकाम आ जाएगा जदों तेरी रसाई भी अल्लाह तक हो जाए। पहले दिन तू अंग्रेजी को ना बोलन लग पिया, जिमें जिमें तलीम आउंदी गई फिर तू साइंस भी पढ़ी, फिर डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर भी बन गया, पर पहले दिन तू इंज नहीं हो गया। उस्तादां दी झिड़कां खादियां, कई बार तू सफर करके मदरसे विच गया कॉलेज च गया, लेकिन हुण जाके तैनू कुछ पता लग्या कि तलीम है। ये तो किताबां सामने ने, ये तलीम जिंदे च किताब भी कोई नहीं, ये तो अपने शेख के तसव्वुर नाल ही सब कुछ होना है। उस मुरीद नूं बड़ी मुहब्बत आई अपने पीर नाल, उन्हों भी चा चढ़ गया कि मेरा पीर भाई है। फकीरा किवें आया तू भाई, मैनू हजरत साहब भेजे तू कोई हज़ार रुपया देना, आंदा हाँ हजरत साहब दा हज़ार रुपया देना, उन्हें मैनू भेजिया कि जाके लेके आ। उसने हज़ार रुपया तो वह दिता, सौ रुपया होर दिता, यार ये हज़ार तो पीर दा है, आ सौ रस्ते विच तू कोई खर्चा कर ले, नाले अगे तू टुर के आया आ मेरी घोड़ी ले जा, उत्थे दरबार से बन दे मैं फिर आपे ले आवां। उसने घोड़ी ले ली, हज़ार रुपया जेब च पा लिया, हुण टुर पैंदा वापस अपने पीर दे दरबार। एक जगह ते की वेखदा है काफ़ी लोग उत्थे बैठे हुए खड़े हुए ने, इन्हें घोड़ी उधर मोड़ी, पुछदा बई ये रश कादा है। वो लोग एक दूसरे नूं वेख के आंदे हुण मौलवी नूं की दसी, खुदा ने ऐसी शक्ल बनाई है शैतान में संग जांदा है। गलत काम कोई करता पिया होवे दाड़ी वाला बंदा चला जांदा है, वो लोग जरूर हया करते ने यार मौलवी साहब आ। अंदाजा कर इस सूरत विच खुदा ने की कुछ छुपाया है, बशर्ते के अगर तू भी सही दाड़ी रखी हो, अगर तू फराड वास्ते रखिए धोखे वास्ते रखिए तो फिर तेनों में पुछ होगी और नक्शा की हो जा बनाया है तो फिर लोगों को धोखे देता पे। अल्लाह ताला को बंदा माफी मंगता रहे, खुदावंद करीम ये सही सूरत बनावे तो फिर बड़ा मजा है। जाके उत्थे रोकिया पूछे भी ये रश कद है, उन्हें आख्या मौलवी साहब
इत्थे एक औरत रहिंदी है, बड़ी हुसीनो जमील, 100 रुपया तो उनकी फीस है वेखण वेखण दी। वो बंदा सोचता है भी 100 तो मेरा अपना है, 1000 पीर दा है, भला मैं वेखा तो सही केडी सोहनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अगर तू अखां दी हिफाजत कर लवेंगा तो फिर तू शैतान को बच जावेंगा, अगर ये दरवाजे तू नहीं बंद करेगा इन्हां रस्तियां दे विचों शैतान दिल ते पहुंच जांदा। ये बंद कर लिया। कुरान पाक च लिखा है जिस वक्त गैर महर में औरतें आती हैं तो मोमन की आंखें झुक जाती, अखां नीवियां कर ले। उन्होंने ख्याल आया पहले मैं वेखा तो सही, जिंदी 100 रुपया वेखण की फीस उस जमाने च भी 100 कितना होगा, ये सोचता भी 100 तो मेरा है ना, 1000 पीर दा, इन्हें 100 दिता। जिस वक्त उस औरत वेखिया तो फिर इनके ख्यालात भी बदल गए, हुण 1000 रुपया उनकी फीस आई। दिल जेड़ा काम तेनू आखेगा ना तू मजबूरन वो करें। दिल हुण सानू आखिया ना फलाने पिंड जलसा है उत्थे जाना है ते लोग सारा दिन काम करन नाले इत्थे आ गए, जिन्हां नू दिल नहीं आखिया वो पिंड दे बंदे भी नहीं आए हो। दिल हुण आखदा पिया कि तू 1000 रुपया पीर दा दे गुनाह कर ले, 1000 रुपया फीस भी दे छे। जिस वक्त गुनाह का इरादा करता दरवाजा बंद करता आवाज आती है ओ फकीरा ख्याल कर, ये आवाज वो फकीर सुनता है लेकिन वो औरत नहीं सुनती। फिर इधर उधर वेखदा वो औरत उन्हें आखदी है इत्थे कोई नहीं आता मेरा यह पेशा है, लेकिन जिस वक्त थोड़ा जा गांह होंदा है फिर आवाज आती है बे फकीरा संभल, 100 कुहां ते मुर्शिद होवे विच नजर दे रखे। तीसरी बारी आखिर इरादा करके चार पाई ते चढ़दा है ते जे मुक्का वजदा है इत्थे दौण ते ते थल्ले डिग पैंदा। ये मंजर औरत भी वेखदी पई, ये खड़ा हो गया, पैसों की भी परवाह नहीं की, छेती नाल बाहर निकल आया। औरत आण के पकड़ के पुछ दिए ये मैनू माजरा तो दस है कौन ये की गल। वो फकीर दसदा है कि मेरा पीर है जिस मैनू गुनाह तो बचाया, 100 रुपया इस तरह मेरा वो मैं दिता तेनू वेखिया, मैं इस हस्ती वेखना चाहनी। दिल विच ख्याल आया रोमन लग पई, एक फकीर दी सोहबत दा असर हो गया और तू कि निकल तो सही मगर वारस आयन है। रोमन लग पई कि वो बंदा हो कि मैनू उत्थू वेखदा पिया है, क्या खुदा मैनू नहीं वेखदा पिया। फकीर नू आख दिए मैनू भी उस बजुर्ग को ले चल, मैं मुसलमान भी होवांगी उन्हां दी मुरीद भी बन जा। नाल बिठा ले दरबार दे नेड़े जाके उस औरत नू आखदा तू हुण उतर जा पिछे आवे मैनू शर्म आ, गुनाह दे काम तो शर्म तो आउंदी है जे कुछ भी गैरत होवे बंदे दे, जदों जमीर ही मुर्दा हो जाए उदों मां नू गालां देवण लग्या वी शर्म नहीं आउंदी, दुध च पानी पावण लग्या शर्म नहीं आउंदी। जिस मालक ने मज दिती है उनकी मखलूक नू दुध पिया देना है, पैसे पूरे पिया लेना है ते पानी देंदा पे। जिस मालक ने तेनू तंदुरुस्ती दिती है तेनू डाक्टर बनाया है उनकी मखलूक को ज्यादा पैसे पिया लेना है ते दवाई सस्ती है पैसे ज्यादा लेंदा पे। हर शोभे विच असीं इंज ही करने हैं, सब्जी वाला भी इंज करता है, फ्रूट वाला भी इंज करता है, मिस्त्री भी इंज करता है, मजदूर भी इंज करता है, पीर भी इंज करता है, मुरीद भी इंज करता है, मौलवी भी करता है, मुक्तदी भी करता है। कई बंदे हैं जिन्हां ते खुदा दा फजल है
वह हर महकमे में चंगे, पुलिस भी चंगे, डाक्टर भी चंगे, पीर भी चंगे ने, मजदूर भी चंगे ने, आलमों भी चंगे ने, मुक्तदियों भी चंगे। पांच उंगलों तो बराबर नहीं। जे तेन गुनाह तू शर्म आती है तो फिर तेन मुबारक हो, तो जे गुनाह करके तो तू आकड़ना तो विडया ही करना, फिर जहन्नम के किनारे ते पहुंच चुका है, इतना दूर निकल गया है। हुण पिछू आवाज भी तेन सुनाई नहीं देंदी कि तू मुड़ेगा किवें। गुनाह तो बंदे को हो जाता है, जदों गुनाह हो जाता है पछताउंदा है, शर्मिंदा हुंदा है, तो यह भी एक अच्छी अलामत है। हो सकता है खुदा इसनू इस गल तो वापस कर ले। जदों फखर करता है, शराब पी के विडियाई करता है, उस किसी ते जुल्म करके विडियाई करता है, हुण बहुत दूर चला गया। उस औरत नू पिछे उतार दांदा, मैनू शर्म आउंदी, जाके मिलिया, सलाम दुआ लई, पीर नू 1000 रुपया पेश किया। पीर साहब फरमाते ने तेरे नाल एक औरत आई पिछों आउंदी पई, वो कित्थे? इत्थे मेरे कोल कल्ला आया, पिछों तुसी दो जने आओ। मुरीद ने उसनू बुलाया, बाज़िद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उसनू मुसलमान किया, मुरीद बनाया, अपने मुरीद उस दे नाल निकाह कर दिता। वो जिहड़ी पहली फकीरनी बैठी आई उन्हां भी लिया के ते निकाह कर दिता। फकीरों की झोली में होता है सब कुछ, जांच लेते हैं देते हैं तब कुछ, मगर इनसे चाहिए लेने का ढब कुछ। हुण दोवें बीवियां ले लें। हुण पुछदा पिया है, या हजरत कामल पीर किनू आखदे ने ते सादक मुरीद किनू आखदे ने? मैनू एक बंदे मसला पुछया, मैनू आउंदा नहीं। आपने फरमाया तेनू अजे पता नहीं लगा? आंदा जी मैनू नहीं पता। आ फरमाया सादक मुरीद तू है, मैनू बेटा पता हा कि तू लाड़ा है, तेरी शक्ल दसती पई है, मैं तेनू अपना काम दसिया, तू अगू उजर नहीं किया कि मैं तो दुल्हा हाँ, मैं तो हजरत बाहर जांजी खड़े हुए ने, ते मैं हुण किवें जावां किसी होर नू भेज दे। सादक मुरीद ही हुंदा है कि पीर दी हर गल ते आमीन आखदा है, तो सादक मुरीद। कामल पीर कौन हुंदा है? आपने फरमाया कामल पीर वो हुंदा है गुनाह तो पहले वार्निंग देंदा कि बच जा, ते जे नहीं बचे ना ते मुक्का मार के भी ईमान बचा लेंदा। फिर आंदा भी हाँ जी मैं हुण समझ गया, मेरा भाई इलम नाल गुनाह को नहीं बच सकेगा तू, खुद सोच लै। लोग तेनू नेक आखदे ने, तू निमाजी बंदा, दाड़ी तू रखी हुई है, तहज्जुद भी पढ़ता हो, अगर कोई बेच ऐसा बैठा है अपने जेन में सोच लेवे कि आ गुनाह तू नहीं कर दा। ये तो सतार जे साडे ते पर्दे पाया, वरना विचू जो कुछ असी आए सानू खुदा जानदा। अगर तू चाहना मेरे को गुनाह छुट जावन तो किसी अल्लाह वाले की सोबत जरूर अख्तियार। अल्लाह ताला खुद फरमाते ने वकूनु मासुआ देखी या अय्युल्लज़ीना आमनु तक्कुल्लाहा वकूनु मासुआ देखी, ए ईमान वालो गुनाह छड़ दो, मुतकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। ये सौदा थानू कित्थों मिलेगा? वकूनु मासुआ देखी, मेरे सादकीन बंदियां दी सोबत अख्तियार करो। सादकीन का लफ्ज जो कुरान में हक ने फरमाया है वलियों की शान। एक खुदावंद करीम ने औलिया कराम नु ताकत दिती, जेड़े बंदियां को गुनाह छड़ा दें, विछड़ी हुई मखलूक नु खुदा नाल वासल कर दें। जिवें जिवें बंदा गुनाह करता है उस तरह परेशान होता है, जिवें जिवें नेक अमल करता है इस दे दिल नु सकून आता है।
रोजी गुनाह नाल बढ़ती नहीं, उम्र गुनाह नाल बढ़ती नहीं। दाता साहब दे अकवाल ने जिन्ना च फरमाते ने गुनाह उम्र गम उम्र को खा जाता। गुनाह कर करके बंदे नूं गम आउंदे, परेशानी आउंदी। गुनाह नेकी बदी को खा जाती, झूठ रिजक को खा जाता, गम उम्र को खा जाता। गुनाह करन दे नाल बंदा परेशान हुंदा है, ते परेशानी दे नाल कई मर्दां लग जांदे। अगर तू चाहना मेरियां परेशानियां मुक जावन ते गुनाह तू परहेज कर, ते गुनाह तेरे वस दा रोग नहीं कि तू छड़ सके। पक्की गल, नमाज पढ़नी सौखा काम है, हज कर लेना सौखा काम है, लेकिन गुनाह तो बचना औखा काम। हजरत बाऊ सुल्तान फरमाते हैं ना, नून नमाजा पढ़ना कम जनाना। भाई नमाज तो औरतां भी पढ़ ले, सौखा काम तो औरतां भी कर ले। तरीकत विच औरत किनू आखदे? हजरत बाऊ सुल्तान फरमाते हैं नमाजा पढ़ना औरतां दा काम है, ते तरीकत विच औरत उन्हूं आखदे ने जिहड़ा बंदा होवे या औरत होवे गुनाह तो ना बच सके। ना हर जन जन नस, ना हर मर्द मर्द, खुदा पंज अंगुश्त यकसन कर दे, पंज उंगलां बराबर नहीं है। सारियां औरतां औरतां नहीं हैं, ते सारे मर्द मर्द नहीं हैं। कोई औरत होके ते गुनाह ना करे ये मर्द गिनी जाएगी, कोई मर्द हो के तो गुनाह नहीं छड़दा ये औरत गिनी जावे। तालबे दुनिया मुखन्ना सुन, तालबे उकबा मुअन्ना सुन, तालबे मौला मुजक्करुन। दुनिया दा तालब खुसरा है, उकबा दा तालब औरत है, तालबे मौला जो है वो मर्द है। अबू अलहसन खरकानी रहमतुल्ला ले अपने मुरीदा नूं फरमांदे ने, ऐ मुरीदो तुसी मर्द बनो। अर्ज करते हैं या हजरत असि तगी मर्द हैं। आपने फरमाया नहीं मर्द बन। या हजरत मर्द किवें बंदा बनता? आप फरमाते ने मर्द वो होंदा है जेड़ा कम अज कम सठा साल तिकर खब्बे फरिश्ते लिखण वास्ते कुछ ना दे। खब्बा फरिश्ता की लिखता है? गुनाह लिखता है। भी गुनाह ना करे ना ये मर्द बनता। सठा साल तो पिछे ताकत बंदे दी गुनाह दी घट जाती, ते सठा सालां दे वेचे 30 साल तो तेरे सुत्यां गुजर जाते। ये फलसफा इमाम गजाली दे वेखो, ये सठा सालां तिकर तू गुनाह ना कर। सठा सालां दे वेचे 30 साल तो बंदे दे सुत्यां गुजर जाते, ते सुत्ता या बंदा कोई गुनाह करदा? वे खुदा दा केड़ा करम है, नींद दे विच सुकून क्यों है? उन्दे विच गुनाह नहीं। जिहड़ी जिंदगी विच गुनाह ना होवे वो पूरी जिंदगी सुकून दी बन जाती। नींद विच कितना सुकून? नींद दे विच बंदा गुनाह नहीं कर सकता, सुता है झूठ नहीं बोल सकता, चोरी नहीं कर सकता। तुसी आखोगे विच ते नमाज भी तो नहीं ना पढ़ सकता। बुजुर्ग फरमाते ने अगर तू इबादत नहीं कर सकता तो ना कर, कम अज कम गुनाह भी तो ना कर, फिर भी खुदा राजी हो जा। सुत्या बंदा गुनाह नहीं करता, 30 साल तेरे सुत्या खुदा ने गुजार छड़े, बाकी रह गए 30 साल। 30 साल में हर वक्त तो गुनाह का मौका फराम नहीं होता, मतलब तू अफसर है तो 24 घंटे तक रिश्वत आ तेरे को नहीं आना, किसे वक्त आवेगा तो उन्हों तू टाल छ। 24 घंटे तो शराब का मौका नहीं मिलेगा, कोई भी गुनाह है तो 24 घंटे तो हाजिर नहीं होंगे, किसे वक्त तेन नेक महफल भी नसीब हो जाएगा। कदे तू ना 30 साल बीमार भी होवे, बीमारी की हालत बंदा खाना तक पसंद नहीं करता, गुनाह किवें करे? इमाम गजाली फरमाते ने फिर थोड़ा जा वक्त रह जाता बंदे को, अगर उन्दे ते कंट्रोल कर ले तो खुदा का दोस्त बन जाता। लेकिन थोड़ा जा टाइम ही असं नहीं उन्दे ते कंट्रोल नहीं कर सकते।
हाँ तू एक लम्हा भी नहीं बच सकता अल्लाह वालों की नज़र दे बगैर। सारे हर चीज़ का तेनों पता है, पटवारी क्यों बनाए गए ने, डॉक्टर क्यों बनाए गए ने, ये जिहड़े ड्राइवर ने ये क्यों बनाए गए ने, साइंसदान क्यों बनाए गए ने, सारा का पता है। कपड़े सिलाने होवन तो कदे डॉक्टर को भी गया आ मैनू जी सूट सी दे, सानू पता है डॉक्टर का काम नहीं है, ये तो दर्जी का काम। जे जमीन के बारे मलूमात करनी होवे तो फिर पटवारी को जावेगा, तो जे बीमार होवे तो फिर पटवारी को नहीं जावेगा, फिर डॉक्टर को जावेगा, सारा पता है। पहले हुण गौर करो खां ये खुदा दे वली किस वास्ते बने, हर चीज का सानू पता है। परचा देना होवे थाने जाना, फर्ज लेने होवे पटवारी को जाना, अगर कोई मुकदमा लड़ना हो तो वकील को जाना, कपड़े सिलाई करने हो तो दर्जी को जाना, सारा पता है ना। तो भला यही तो दसो ये वली या पीर इन्हों का की काम। मेरे आका ने फरमाया मेरे बाद हुण नबी नहीं कोई आवेगा, औलिया कराम आवणगे, पर उन्हां दा फिर काम की? उन्हां दा काम यही है वह रूह नू पाक ते साफ बनाउंदे ने, तज़किया नफ्स करदे ने, बंदियां कोल गुनाह छड़ा दे। उन जे मिलदे किस्मत नाल ने, नबी पहचानना आसान है, वली पहचानना मुश्किल। नबी नू पहचानना तो सौखा काम है, वह तो ऐलान कर देंदा मैं नबी, लेकिन वली कदे नहीं आखदा कि मैं रात नू उड़ जाना, मेरे चाहे करामत है, मेरे वे चाहे करामत है। वली अपने आप से पर्दा पाँदा है कि मैनू कोई पहचान ना लगे। बाज़िद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को एक बंदा आया, आण के आखदा जी मैनू मुरीद करो। आप फरमाते ने भी किसी बजुर्ग का मुरीद हो? हाँ दाजी तुसी बजुर्ग ही हो ना। आपने पूछा किवें तेनू पता मैं बजुर्ग? आखे जी मैं सुनिया तुसी उड़ लेंदे। आपने फरमाया तो मक्खी भी उड़ लेंदी, ये कोई करामत है उड़ लैना? ये तो मक्खी भी उड़ लेंदी, लेकिन साढ़े सामने कोई उड़ेगा तो असं की समझांगे? बल्ले बल्ले जी ये बड़ा बजुर्ग। बजुर्ग फरमाते ने कुछ भी नहीं है, शरीयत की पाबंदी सब तो वड्डी बजुर्गी। अल्लाह ताला फरमाते ने अकरामकुम इंदल्लाह तकाकुम, मेरे नज़दीक बुजुर्ग वो है जो मुत्की और परहेजगार, किसी भी जात का हो, किसी भी कौम का होवे, केड़ी भी उम्र होवे। कोई बंदा यह सोचे ये तो जी अजे की उम्र ही थोड़ी, भाई बुजुर्गी सफेद दिल नाल मिलती है, सफेद वाला नाल नहीं मिलती। वो चिट्टियां वाला नाल नहीं बुजुर्गी मिलती, चिट्टे दिल नाल मिलती। अगर तेरा दिल चिट्टा बचपन च हो गया तो तू बुजुर्ग, तो कई बुढ़े हुए नमाजा भी नहीं पढ़ते फिर वो बुजुर्ग बन जाते। अल्लाह दे वलियां की तलाश करो, उन्हां दी सोबत विच आवो जावो, ये बीमारी तां खत्म होवे। ये खुराक जदों तू ते मैं छोटे है, अगर असी अपनी मां का दुध खुद छड़ना चाहते तो भला अस छड़ सकते हैं? कदे सोच भी ना सकते। लेकिन मां को ख्याल आया कि जिहड़ी खुराक ते मेरा पुत्र लग गया ना, ये खुराक इन्दे वास्ते चंगी नहीं, इन्दे ते लगा रहेगा, ये जहाज ते किवें जावेगा, ये मजदूरी किवें करेगा, ये तो मेरे को जुदा हो नहीं सकेगा। तैनू मैनू तो सोच ना ही आई, मां नू सोच आई आई, उन्हें फिर वह खुराक साढ़े को छड़ाई है। एडी सौखी नहीं छुट्टी, औखिया होके छड़ाई। कदे मां अपने दुधां ते मिट्टी लाउंदी आई, कदे मिर्चां लाउंदी आई, आखरों कामयाब हो गई। फिर महीने बाद, दो महीने बाद, या हुण किसे नू मां आखे आ पुत्तर मेरा दुध पी लै, तो बंदा आंदा नहीं अम्मी मैनू शर्म आउंदी, कल तो पींदा सैं तू, हुण आखेगा मैनू शर्म आउंदी है। तो मौलाना रूह फरमाते ने
इसे तरह इंसान की खुराक गुनाह बने हुए ने। ये आप कदे सोच भी नहीं सकेगा कि मैं छड़ दे। कामल पीर मां का किरदार अदा करता है, कामल पीर नू ख्याल आता है ये खुराक इनके वास्ते अच्छी नहीं, ये इनू जहन्नम की तरफ ले जा रही। फिर कामल पीर कोशिश करता है मां की तरह, कामल पीर नुस्खे भी दसदा है, वज़ाइफ भी दसदा है, फिर रात मुसल्ले ते खड़ा होके मुरीदां वास्ते दुआ भी करदा है। ऐसा पीर होवे ते जिन्हों साडे तो भी मगरू जाग आवे, जेड़ा खुद गुनाहां विच गलतान होवे, ऐसा पीर तेरी की सलाह करे। ना ही सुनिया होया ना भी पीर पकड़ना, ये नहीं समझा भी पीर की हो जा हो। पीर दियां त्रै सिफतां होंदियां ने, त्रै हरफ होंदे ने पीर दे, पे ये रे, इन्हां विचों एक हरफ कट दिओ अपनी मर्जी नाल ते भला पीर बन जावे, कदे भी नहीं बनेगा। ये तिन्ने हरफ होवणगे ते पीर बनेगा। इंजी दोस्तों जिस पीर विच तीन सिफतां होवण उह पीर हुंदा है। जातां ते नहीं पीरी हुंदी। कोई बंदा आके जी सैयद ही पीर हो सकदा है, नहीं। थानेदार केड़ी कौम दा हो सकदा है, डॉक्टर केड़ी कौम दा हो सकदा है, मास्टर केड़ी कौम दा हो सकदा है। जिहड़ा कोर्स कर लवेगा हो जाए। बुल्ले शाह सैयद आ वह अराइयां दा मुरीद हो गया, अलीपुर शरीफ वाले सैयद आण, चूरे शरीफ वाले पठान। पीर मेहरली शाह साहब सैयद आ, आप दा पीर सियाल हजरत बाऊ सुल्तान अमान हैणजाद, कितने सैयद जा के उत्थे झुकदे पए। वो बजुर्गी जातां ते नहीं हुंदी। पीर दे त्रै सिफतां ने याद रख लो सौखियां। पहली सिफत उहदे च होवे शरीयत दा पाबंद होवे। शरीयत दा पाबंद उहनूं आखदे ने जिहड़ा पंज वक्त नमाज पढ़दा होवे ते बा जमात दा आदी होवे। किसे शरी उजर दे बजाय दे वजह तो अगर जमात तो नमाज हुंदी रह जांदी, खुदा गफूर रहे, लेकिन आदि ना बन जावे, बा जमात नमाज पढ़े, दाढ़ी हुंदी कम अज कम मुट्ठी भर हो, मुट्ठी तो घट दाढ़ी। ये शरीयत विच दाढ़ी नहीं हुंदी। वैसे बैस मुनाजरा जितने मर्जी को करता रहा। ऐसे मौलवी वेखे ने जेडे कल खुद आखदे आ कि दाढ़ी मुट्ठी भर होनी चाहिए, लेकिन जदों खुद शैतान दे काबू आ गए हुण उहना मसला बदल लिया है। दाढ़ी कम अज कम मुट्ठी भर हो, मुट्ठी तो वध जावे तो डर कोई नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मूछें कटाओ दाड़ियां बढ़ाओ। बेफिर मुट्ठी की कैद क्यों रख दे, जदों अल्लाह के नबी ने फरमाया है मूछें कटाओ दाड़ियां बढ़ाओ। ये वाबी नहीं ना कटा कटां, वो सानू आखते ने भी तुसी क्यों कटांदे। असी आखने फिका विच लिखिया है, इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि दाढ़ी मुट्ठी भर होवे, वो आखदे ने तुसी फिका नू हदीस नू अगे समझदे, नहीं अगे नहीं समझदे। इमाम अबू हनीफा फरमांदे ने अल्लाह दी जात ने फरमाया फत्ता बे उनी, मेरे महबूब दी इतबा करो। नबी करीम दी दाढ़ी मुट्ठी भरी गई, कम अज कम दाढ़ी मुट्ठी भरो। बैस अले टुर पवेगा, हर मौलवी अपनी मर्जी का मसला करे, हर पीर अपनी मर्जी का, लेकिन जेडे नेक आलम ने नेक पीर ने उन्हें गल हक की सुनानी है। अगू साड़ी मर्जी असी अमल करिए या ना करिए। दाड़ी मेरा भाई मुट्ठी भर, सिर ते इमामा दस्तार हो, जनाह कैप जेड़ा है इनका कोई सवाब है? ये तो कैदे आजम की पैरवी, नबी करीम की पैरवी है। टोपी दे उत्ते पगड़ी बनिया कर। हुण कितने पीर ने जिन्हां दे सिर ते तू पग वेखना,
कितने मौलवी ने जिन्हां दे सिर ते पग वेखना है, किसे कली टोपी रखी हुई है, किसे जना कैप रखिया होया है। कुछ खुश नसीब हैं जिन्हां दे सिर ते इमामा हुंदा है, लेकिन बहुत थोड़े ने। ते जिन्हां हुण जना कैप रखिया है वह कदे पग का मसला करनगे तेरे को। जिन्ना कली टोपी रखी हुई है ये सन 47 तो पिछे बीमारी निकली। गांधी जी कली टोपी रखते हैं, कैदे आजम वो कप रखता। जेडे कैदे आजम की पैरवी आए लोग उन्हें वो जना कप रखना शुरू कर दिता। जेडे गांधी जी के मनन वाले हैं वह कली टोपी रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ मेरे सुहाबा तुसी मुशरकीन की मुखालफत करो। तो सुहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो एक कौम कली पग रख दीए, एक कौम कली टोपी रख दीए, असी मुखालफत किवें करिए। आपने फरमाया, तुसी टोपी दे उत्ते पगड़ी बनिया करो। ये अरब दा ताज है। जदों मेरी उम्मत इमामा बांधना छोड़ जाएगी, इन्हां उत्ते मुसीबतां इस तरह नाजल होवणगियां जिवें तस्बीह हार दा धागा टुट जांदा है, ते फिर वह मणके कितने तेजी नाल गिरदे ने। सिर ते इमामा भी इहनू इज्जत भी आखदे ने पग। वो फलाने दी बई उहनां पग उछाल दित्ती, हुण अपने हत्थां नाल तो अपनी इज्जत ला छड्डी गई। हुण तैनूं शर्म आउंदी है पग बन्नण तों? भला पग वाला बंदा वेख के तैनूं सोहणा नहीं लगे? कि ऐसा लिबास है, इतना खुदा नूं पसंद है कि ये फरिश्तियां दा ही उह लिबास है। सिर ते दस्तार हुंदी है, इहो ही सा उहनां दा लिबास। दाड़ी तो भला उहनां नूं है नहीं, दस्तार बन। जंगे बदर दे विच सुहाबा ने वेख्या कि कुछ लोग दस्तारां बनियां होईयां ने, लड़ रहे ने। सुहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो बंदे सानू नजर नहीं आते जेडे असां उत्थे वेखे हैं? आपने फरमाया, वो मलायक थे, पगड़ियां बन के उतरे। आज तैनू तो मैनू पग कोल शर्म, पग बनदा। दूसरा, हुक्का सिगरट भी ना पींदा, ये भी नशे में शामिल। दूसरा काम यह करता हो बेतमा। शेख सादी फरमाते ने, पीर बा तमा रहजन, जेड़ा तमा वाला पीर होंदा वह डाकू होंदा। दाता साहब फरमाते ने, पीर बा तमा, आलम बेअमल, बादशाह बेअदल, ये तीनों शैतान के हम नशी। पीर होवे ते तमा रखे, मौलवी होवे ते अमल ना करे, बादशाह होवे ते अदल ना करे, ये तीनों शैतान के हम नशी। पीरा ने पीर दस्तगीर फरमांदे ने, तमा तोए मीम ऐन, ये त्राए हरफ होवन ते एक लफज बनता है तमा। आ फरमांदे ने, तोए ते भी नुकता कोई नहीं, मीम ते भी नुकता कोई नहीं, ऐन ते भी नुकता कोई नहीं। जिस तरह तमा दा लफज नुकते तो खाली है, इसे तरह तमा आला पीर बातन दा खाली। ये दूसरी सिफत यह होवे कि बेतमा। तीसरी सिफत जेड़ी ये है कि उन्हों किसे बुजुर्ग की खिलाफत हो। कई पीरां दी औलाद घरों उठ के पीर बन बैंदे, उन्हां दे वालद ने उन्हों खिलाफत नहीं दित्ती। उन दे विच साड़ा हाथ थे, असी पीर दे पुत्तर नू जमदे ही पीर आखन लग पौने हैं, इस वजह तो गुमराही फैलती। अगर बुजुर्ग खिलाफत नहीं दित्ती तो फैज नहीं होवेगा, भावें पुत्तर ही हो। सारे पुत्तर सारी औलाद कदों कामयाब हुई? बीवियां अक्सर रह गईयां, औलाद अक्सर रह गई, बिरादरियां अक्सर रह जांदियां ने, वो तो बुजुर्ग समझते ही नहीं उन्हें। पुत्र बाप समझते ने लेकिन बुजुर्ग नहीं समझ। बीवी खामद समझती है लेकिन बुजुर्ग नहीं समझ। बिरादरी के लोग उन्हें बिरादरी का बंदा समझते ने लेकिन बुजुर्ग नहीं समझ। अबू जाल भी नबी करीम नू भतीजा तो समझदा पर नबी ना समझदा। फिर भतीजा समझना को फायदा होया? उस नबी समझिया तो फायदा हो।
इवें अक्सर औलाद जी अपने मां बाप न बजुर्ग नहीं समझती बाप समझती। अगर उन्होंने खिलाफत है तो फिर वेखो, अगर खिलाफत नहीं है तो फिर उनके को सौदा ही कोई नहीं। तीन सिफत जिंदे होवन उनकी बैत करो। अल्लाह की जात ने सानू ऐसे बजुर्ग मिलाए जेडे शरीयत के पाबंद जेडे बेतम उन्होंने अपनी होश के तकबीर उला फौत नहीं हुए, उन्होंने होश के तहजद कजार नहीं हुए। और लत्तां घुटाउणियां तो एक पासे औरतां दे सामने भी नहीं आउंदे, पंज वक्त नमाज बाजमात ही पढ़दे, बल्कि पूरा पिंड बाजमात नमाज पढ़ता जिथे रहिंदे, पूरे पिंड विच हुक्का सिगरट कोई नहीं पींदा, दाड़ी मनाउंदा कोई नहीं, दाड़ी मुठ्ठी तो घट कटाउंदा कोई। सारे पिंड दे विच 10 साल का बच्ची बच्चा तहज्जुद नहीं छड्डदा, उत्थे कोई जाके वेख लवे। अल्लाह के फजलो करम नाल इस तो ज्यादा आण के तू तरीफा करे। उन्होंने बजुर्गों ने सानू यह वजीफा दसिया है, जेडे फकीर के तुम दस रहे सन कि बाद इस तुम वजीफा दसिया जाए। ये अल्लाह वालों की हिरस वेखो कितनी, परायां डंगरां नू कौन पट्ठे पाउंदा। तू अच्छे पीर भी वेखे होवणगे पर अपने मुरीदां दे इलावा तो किसी नू कोई नहीं दसदा। लेकिन उन्होंने बजुर्गों में हिरस से अपने खलीफिया फरमाते हैं कि सारे दस्या कर, मुरीदा को हाड़ी सौनी लैनी, भला खुदा की मखलूक परेशानियों तो बच जाए, दोजख की अग तो बच जाए, गुनाह छुट जावन, ये साड़ी तरफों इस वजीफे की इजाजत दे छड़िया कर। ये हूँ अस जी इजाजत देने हैं ना, ये असं उन्होंने बजुर्गों की तरफों थानू इजाजत दे। बैत जिथे तेरा दिल करदा उत्थे कर, अगे बैत कीती हुई है भी शक उत्थे रहो, हाड़ी सौनी बकरे छतरे अपने पीरां नूं दे। आ फरमांदे ने फैज साढ़े कोल, अगे अपने पीर दा वजीफा करदा तैनूं मुद्दत गुजर गई, हुण थोड़े दिन ये बजुर्गों का करके वेख, अपने ईमान नाल फैसला कर लवें कि पावर हाउस किहड़े पासे ज्यादा ताकतवर है। कितने लोग ने जेडे आंदे ने जी पहले मैं नमाज नहीं पढ़ता, खुदा ने हुण मैनूं तहज्जुद दी तौफीक दे दित्ती। वो वजीफा जेडे दोस्त नवें हैं वो एक पासे आण के ते सज्जे पासों आवण, मेरे कोल इजाजत लेके फिर बवण, मैं तरीका दसां। जेडे पुराने लोग ने कई बार सिखिया वो ना सिखो बे, जे करना ही नहीं। अल्लाह 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 इजाजत देवण दा तरीका है। अल्लाह अल्लाह तुसी अगे भी करदे हो लेकिन हुण करके वेख्या। अगर घरां विच बीबियां माइयां बहणा सुणदियां होवण, उन्हां नूं शौक होवे कि सानूं भी इजाजत मिल जावे, तो मेरे पीरां दा तरीका यह है कि औरतां नूं असीं स्पीकर च इजाजत दिंदे, जिथे खब्बे पासे तुहाडे उंगली रखी है ना, उंगली तुसां भी नहीं रखनी, ख्याल रखना है। इस तरह औरतां भी ख्याल इत्थे रखण अपने दिल ते, वजू होवे या ना होवे, बंदा पाक होवे या ना पाक होवे, अपने दिल विच पढ़दा रहे। अल्लाह 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 अल्लाह, जिस तरह प्यास लगी होंदी ना तो बंदा जबान नाल पानी 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 नहीं आखदा, लेकिन ख्याल हुंदा मैनूं पानी मिल जा। इस तरह बहिए ख्याल विच पढ़, जदों तेरा दिल चंगा हो जाएगा ना उदों तू बंदा चंगा बन जाएगा, बंदा हज कर आवे, आलम बन जावे, पीर बन जावे, दाढ़ी रख लवे, लेकिन दिल चंगा ना होवेगा तो काम चंगे नहीं करेगा। टैंकी विच पानी गंदा होवे, टूटियां सोने दियां लाओ, भला पानी चंगा आवे? पानी उही आना जिहड़ा टैंकी विच। लोग हाफज बन जाते, आलम बन जाते, पीर बन जाते, पर दिल ते मेहनत नहीं करते।
दिल ते मेहनत नहीं करेगा। याद रख, हाफज हो सकना है पर नेक बंदा नहीं बन सके। तू नहीं वेख्या रात तरावियां पढ़ाते सवेरे सिगरटा पीते हैं, रोज़ा नहीं रखे, हिफज भी किया होया, नमाज भी नहीं पढ़ते। दिल आखेगा तो नमाज पढ़ने, दिल आखेगा गुनाह ना करते ता नहीं करेंगे। तोते नु तुसी कुरान पढ़ा छड़ो तो तोता बंदा थोड़ा बन जाए। एवें तू हाफज बन जाएगा जो दिल सही नहीं होगा तो तू सही इंसान नहीं बनेगा। मक्के गया गल मुकदी ना ही जे दिलों ना मुकाई। अगर बंदे का दिल सही ना होवे तो बंदा सही नहीं। अल्लाह की जात आसमान ते नहीं सिमांदे, जमीन ते नहीं सिमांदे, जबान ते भी नहीं बहंदे। कित्थे बहंदे ने? दिल विच। ते गंदी जगह ते तू ते मैं भी नहीं बहंदे। गंदे भांडे विच तां औरत दुध भी नहीं वधांदी। इस गंदे दिल विच भला वो पाक जात किवें आण के बह जाए। दुनिया मुर्दार की मिसाल है, तेरे घर में कोई मुर्दा फेंक जाए फिर तू कितना परेशान, कितना उन्हें तंग करेगा। तो तू अल्लाह के घर में मुर्दार रखे आया है ता तो तू परेशान। कर साफ तू वेड़ा दिल दा, फिर वेख सज्जन घर मिलदा। इनू साफ कर, अल्लाह की जात इत्थे आण के बैठ जाऊंगा। है भी सौखा जदों इरादा कर लवेगा कुछ मुश्किल। जमीन हेठ गड्डियां चला लिया तू, चन्न ते पहुंच गया तू, एक छोटा जिहा लोथड़ा है गोशत दा, इहदे ते तवज्जो ही तेरी कोई। चलदे फिरदे उठदे बहिंदे खांदे पींदे ख्याल तेरा इधर। अल्लाह 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 अल्लाह। इमाम गजाली फरमाते ने ये जिक्र की बहारी ले लै, अपने मालक का वेड़ा सोत्या कर, सफाई की। जिस वे साफ हो जाएगा तेरा मालक घर आ के बह जाए, तो फिर तू कुत्ते वाला किरदार अदा कर। जिमें कुत्ता अपने मालक के बूहे अगे लत्तां विछा के बह जाता है, किसी गैर नू दाखल नहीं होवन दिंदा। इंज तू अपने मालक के दरवाजे अगे बैठा रह, जदों नज़र मारे तो अल्लाह ही अल्लाह नज़र आ, होर कोई चीज़ भी अंदर ना जावन। दुनिया की मुहब्बत है, बेईमानी फराड गलत ख्याल ये गैर, जदों ही जो को ख्याल दिल में आए तो फलाने से मैं झूठा मुकदमा करा, फलाने की चोरी कर लव, बद नजरी करा, जदों ये ख्याल दिल में आवन लगे इनू वढ़न ना दे। अल्लाह 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 ये पढ़ता रहो, जदों तेरी मशक हो जाएगी फिर खुद ब खुद भी नहीं आवन। जिहड़ी शीशी अंदर पेशाब होवे उंदी कोई कदर करदा? जिहड़ी शीशी दे अंदर कस्तूरी होवे फिर लोग उंदी कितनी इज्जत करदे। असियां शीशियां इक्के कारखाने दी, कईयां दे अंदर गंद भरिया होया है, लोग उन्हां तों नफरत करदे पए। कोई गरीब है डरदा नहीं बोलदा, कोई मजबूर है पर तैनूं पसंद नहीं करदा। जदों तू मरेगा ये लोग नफल पढ़ेंगे। अगर तू चंगा बन जावे, तू अंदर कस्तूरी भर लवें, जिथू गुजरे तेरी खुशबू आवे करे, ये लोग तो तेरे मरण ते इतना रोवणगे, इन्हां दे अथरुआं नाल ही तेरे गुनाह धुल जावण। जिहड़ा बंदा अंदरों चंगा ना होवे लोकां नूं तंग करदा, वह तो समझदा ना मैं बहादुर बनया आ, वह तो एक दरिंदा है। दुनिया दे विच रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, जे आवें तो हसन लोकी, टुर जावें तो रोण। इहो जी जिंदगी गुजार, जदों तू पिंड नूं आण के वड़े पिंड दे लोग आखण अच्छा इंसान, महल्ले वाले लोग आखण अच्छा इंसान, तेरे घर दे आखण बहुत अच्छा बंदा है। ते बीवी नाल भी तेरी ज्यादती, औलाद नाल भी ज्यादती, महल्ले वालियां नाल भी ज्यादती, ये हुण तू अपने आप नूं बहादुर बने बैठे, नहीं तू दरिंदा। जदों बाहरला पिंड नूं वड़ आवे लोग डरदे नहीं होंदे?
बच्चियां नूं अंदर वड़दे पे, बूहे बंद पे करदे, ये किते बाहरला साडे ले ना वड़। जे तेरे वड़न ते भी लोग डरे ते फिर तू अंदरों बाहरला बन चुका। बज़ाहिर तू इंसान है पर विचों दरिंदा बन चुका। यकीन कर ले तेरे मरण ते किसे नहीं रोना। घर ते अगर रोवणगे ना तो अपने मकसद किसे नूं रोवणगे। अपनी जिंदगी तू नहीं देखिया कि खोता मर जाए तो घर दे तां वी रो पाउंदे, मझ मर जाए घर दे तां वी रो पाउंदे, पर किसे दे खोते नूं महल्ले वाले तो कदे नहीं रोए, किसे दी मझ नूं महल्ले वाले तो कदे नहीं रोए। हुण तू सोच जे तेरे मरण ते घर दे ही रोए फिर या तू खोता है या तू मझ है। और बंदा होवे आ तो महल्ले वाले भी रोवण आ ना, बंदा होवे आ तो पिंड वाले भी रोवण आ ना। इस तो पिछली जिंदगी वेखा तो फिर सोच कि तेरे मरण ते कितने लोग रोवण। अच्छा चंद मैं नेकियां गिनना भला उन्होंने असी वेखिए मम्मी विच शामिल। अपने महल्ले दे विच कोई गरीब बीमार होया है तो एक दिन की दवाई लेके असा दिती हो, कितने खर्च किए, दाड़ी मनावण ते खर्च किए, सिगटा ते खर्च किए, बुरिया कम्मा ते खर्च किए, इस पासे तेरा पैसा ना लगे। अज तक कोई महल्ले विच गरीब बीमार आ एक दिन की दवाई लेके किसे दिती हो, किसे यतीम बच्चे नूं सद के घर विच खाना खिलाया, किसे बेवा औरत नूं कोई मदद कीती होवे कि तेरे छोटे छोटे बच्चे ने मेरी तरफों आ चीज। देखो ना इतनी जिंदगी गुजर गई है फिर साडे वास्ते कोई नबी होर आवेगा जिहड़ा सानूं आण के फिर तबलीग करे, कोई किताब होर उतरे। तो कदे नहीं वेख्या तेरे महल्ले विच कितने बच्चे ने सर्दियां आईयां तो उन्हां दे पैरें जुत्ती कोई नहीं हुंदी, उन्हां कोल जर्सी ये गर्म कपड़े ही कोई नहीं, उन्हां बगलां विच हाथ दित्ते उन्हें सर्दी तो बचदे, कदे नज़र आए सानू। और फिर ये अखां तो जानवरां कोल भी हैं जिहड़ियां सोचदियां ही नहीं, जिहड़ियां जानवरां दी अखां ने वो नहीं वेखदियां। और तेरियां अखां भी फिर जानवरां वालियां हो गई इंसान वालियां नहीं। कदे गरीब तेनू नज़र कोई ना आए, कदे बीमार बंदा तेनू कोई नज़र ना आए, कदे बूढ़ा बंदा तेनू कोई नज़र ना आया, कोई नज़र की आना। अपने बाप ना तेरा की सलूक, अपनी माँ ना तेरा की सलूक। कितने केस ही हो जाए ने, माँ रोंदी पई है पुत्र दी शादी कराई आई, कर्जा चुक के वो वखरा हो गया है, सानू बुलाउंदा ही नहीं। तू बंदा जदों कबरां दे विच जासें तू पिया रोसें ते गम खासें तू इन्हां वेलियां ते पछतासें तू नेकी कमा अज वक्त। शादी कीती बाहरले मुल्क चला गया, पांच साल हो गए सात साल हो गए, आउंदियां नूं अद्धे तो मर गए होंदे, केड़ा फखर नाल उत्थे बैठा है, बीवी नूं खर्चा नहीं भेजदा, बीवी नूं कदे फोन तक नहीं कीता, वो अपना मां बाप छड़ के तेरे घर आण के बैठ तेरी खातर उस अपने कन्न पड़वाए, तेरी खातर उस अपना नक पड़वाया, तू उत्थे बैठा है उत्थों ही प्याखना पेकियां ले जा तो बेचारी जांदी है, जे तू आखना नहीं जा तो नहीं जांदी, वो तो अपने हकूक पूरे भी कर दिए, तेरा की बनेगा कबर बेच, उनका हक तेरे ते कोई नहीं। असी केडे राजी होने फलाने का पुत्र बाहर गया, बाहर जाना तो मना नहीं पर बाहरला बनना मना, बारले ना बन जाओ उत्थे जाके। मां बाप कर्जा लेके दिता तू उत्थे अयाशियां पे करना। एक बंदा मैं वेखिया अखां नाल
उनके बाप को बड़ा ही शौक आ कि मेरा पुत्र मैनू उम्र ही करा छे। उत्थे पैसे उजाड़ता रहा उजाड़ता, इहो हसरत लेके वह मर गया बेचारा, खिदमत ही ना कर सकिया। आ बाप खुश नसीब हो मजदूरी करते हो पर रात को आण के अपने माँ के पैर दबाते हो, खुश नसीब हो थोड़ा खा लेंदे हो सवेरे उठ के अपने बाप की ज़ियारत करते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने किसी ते कोई मुश्किल आ जाए रात को अपनी माँ के पैर दबा के सवे, सवेरे उठ के अपने बाप की ज़ियारत करे, खुदा उनकी मुश्किल आसान कर छड़दा। अगर माँ बाप फौत हो गया बुजुर्ग फरमाते ने अपने माँ बाप की कबर की ज़ियारत करेगा अठा दिनों के गुनाह माफ हो जाए। जिन्हां दे जिंदा हैं कोशिश करो मेहनत करो, अपनी औलाद वेख कितनी प्यारी लगती तेरी, तू भी इंज ही उन्हें प्यारा लगना। एक मिस्त्री आ राजगिरी का काम करता, वो दुप से काम पिया करे, उनका बाप बुढ़ा उन्हें तकलीफ होवे मेरा पुत्र दुप से सड़दा पे, वो आके पुत्र आराम कर ले ये दोपहर जरा आराम कर ले फिर बाद च काम करता रहे। वो अगू आखे अब्बा मैं एक रद्दा ला के आंदा पिया, आ एक रद्दा होर ला लूं। वो बाबे ने अपने पोतरे नूं पकड़ के लिया के दुप ते खड़िया कर दिया। हुण जल्दी नाल कांडी ते सी सट दित्ती, दौड़ के आण के आंदा अब्बा बच्चे नूं तू अग ते दुप ते लिया। उसने आख्या पुत्र मैनू इवें तकलीफ जिस तरह तेनू इंदी हुई है ना मैनू तेरी इंज हो रही है, मेरा तो बच्चा है, काश औलाद भी इंज समझे कि मेरा बाप है। तू अपने पुत्र की खिदमत करता पे परवरिश पे करना ये जवान हो, लेकिन जदों पुत्र खिदमत करता है कितना फर्क होंदा है कि ये हुण मर जाए, कितना फर्क है तेरी ते उनकी खिदमत। लेकिन सारे ऐसे नहीं होते, कुछ नौजवान बहुत ही अच्छे होते। मैं कन्ना ना सुनना उन्होंने माँ बाप दियाँ दुआवां, वो आखते ने साड़ी उम्र भी साढ़े बच्चे लग जा, मेरा पुत्र बड़ा अच्छा है, बड़ा ही मेरा ख्याल है। ये वो खुश नसीब लोग ने, नबी करीम फरमाते ने अगर तू वेखना होवे मेरे ते खुदा राजी है या निराज है अपने बाप नू वेख लिया कर, अगर तेरा बाप तेरे ते राजी है तो फिर खुदा तेरे ते राजी है। पर बाप नू भी चाहिए अपनी औलाद का हक ख्याल रख, औलाद के हकूक भी हैं ना माँ बाप। एक नौजवान लड़का मैं जिवें मसले करता पिया, उस मैनू आख्या हजरत मैं अपने बाप की शफकत तो महरूम हाँ, मैं समझा तेरा बाप फौत हो गया। आंदा नहीं फौत नहीं होया, वो शादी होर कर ली आई, मैं कोशिश करना कि मेरे ना प्यार करे मैं इनकी खिदमत कराँ, मेरे लो तकद ही नहीं। ये बाप नू पुछ नहीं होगी कि ये हुण कब्जा कीती बैठा कि जन्नत मैं देवांगा तो औलाद नू मिलेगी, नहीं औलाद की नीयत है तेनू खुश करन दी, तेरे नसीबा च खुशी है ही नहीं। इहो जी औलाद जिहड़ी इस दौर दे विच आंदी मेरा बाप राजी हो जा, तू उहनू तंग पै करना अपनी औलाद नहीं, भी अपने अपने हकूक असीं समझी, औलाद नू चाहीदा कि औलाद बन के रहे, माँ बाप नू चाहीदा माँ बाप बन के रहे। वेखो इस नाँ दे बंदे तेरे पिंड च कितने मर गए, जिहड़ी उम्र विच तू है इत कितने जनाजिया नाल तू खुद ही रलिया होवेगा, जिहड़े बंदे तू वेख्यान अपने पिंड च भला वो सारे हैं, वो भी ये काम करते हैं शाम नू मजदूरी करके आते हैं, बीवियां उन्हां दा इंतजार कर दिया हैं, बच्चे उन्हां दे नाल लाड करते हैं, वो किधे गए। कईयां दी तू जंज भी वेखी आई फिर तू उन्हां दे जनाजे नाल भी रलिया, ऐसा भी होंदा है ना भाई।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਆਲਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 30 ਗੁਨਾਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੋਫੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮਖਾਣਾ ਹੀ ਹਰਾਮ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਉਸਨੂੰ ਹਲਾਲ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰਾ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨ ਹੈ ਹੀ ਹਰਾਮ। ਹਰਾਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਕ